हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाफ्टर एंड चीयर्स विद दिस ईद स्पेशल वीलॉग। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद की विशेस एंड द ग्रीटिंग्स, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब भी खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा आप सब लोगों ने भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद इन्जॉय करी होगी। तो यहाँ मैं आप सब लोगों के साथ अपना शेयर कर रही हूँ व्हाट इज़ ईद सेलिब्रेशन बीन इन परदेस एट दिस मोमेंट। सो ऐसा कुछ खास प्लान्स नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वी स्पेंड अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम। सो एट द वेरी फर्स्ट डे वी वेंट टू द कम्युनिटी सेंटर ऑफरिंग द ईद प्रेयर्स। वहाँ से वापसी में मैं एक फ्लावर शॉप पे रुक गई थी, जहाँ से मैंने कुछ फ्लावर्स वगैरह लिए थे फॉर माई होम डेकोरेशन। सेकेंड चीज़, मैंने कुछ ऑब्वियसली एक अच्छा ईद का फीस्ट प्रिपेयर करने के लिए मैंने कुछ देसी खाने वगैरह ट्राई किए थे वेरी फर्स्ट टाइम, जो कि काफ़ी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बन गए थे। और यहाँ मैं आप लोग सबके साथ वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करी थी ईद पे। तो ले चलती हूँ मैं आप सब लोगों को अपने किचन में। सो एट द वेरी फर्स्ट डे आई प्रिपेयर्ड अ सिंपल चिकन कोरमा, और इसको मैंने सर्व किया था विद द गार्लिक बटर नान। यहाँ पे ये फ्रोज़न पैकेट्स होते हैं जो कि मैं ले आई थी, और इसको मैंने जस्ट सिंपल माइक्रोवेव करके इसके ऊपर मैंने बटर स्प्रेड किया था, तो काफ़ी एक अच्छा देसी नान का टच आ रहा था। और इसको मैंने सिंपली सर्व किया था विद द टैको सैलड एंड विद द क्यूकम्बर्स एंड विद द सिंपल सैलड। सो ये थी मेरी ईद का फर्स्ट डे का लंच। और यहाँ मैंने ट्राई किया इस बार बकरीद पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये शान हलीम मिक्स। इसके अंदर 2 पैकेट्स थे, और दोनों पैकेट में एक में पूरी दालें और गेहूं वगैरह सब ऑलरेडी एडेड था, और दूसरा ये जो छोटा पैकेट है इसके अंदर इसका मसाला था। और ये जो हलीम मिक्स है ये एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स के लिए बेस्ट है। और सबसे पहले मैंने ये किया कि सारी दालों को मैंने एक बाउल के अंदर अच्छे से थोड़ी देर के लिए सोक कर लिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने एक बड़े से पैन के अंदर सबको अच्छे से कुक कर लिया के अराउंड लाइक 1.5 आवर्स के लिए। और जब ये तक सारी दालें वगैरह हो गई हो, अच्छे से सारा एक नरम हो गया और एक अच्छे से सारे कुक हो गए, ये देखिए जैसे इस तरह से इनका एक टेक्सचर बन जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप इसी के अंदर ही इसको अच्छे से क्रश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने एकदम पेस्ट सा नहीं बनाना ये। और दूसरा, मैंने यहाँ पे चिकन का स्टॉक प्रिपेयर कर रही थी विद द हेल्प ऑफ दिस मसाला मिक्स एज़ वेल। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे लेग पीसेस, और मैंने पानी के अंदर इनको अच्छे से एक ग्रेवी नुमा एक प्रिपेयर कर लिया था। और ये कुक होने के बाद ये जो सारे दालों का मिक्सचर था ये कुछ इस तरह से फॉर्म में आ गया था। और इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया, और जो चिकन मैंने पहले कुक करी थी उसके मैंने ये सारे जो बोन्स थी वो रिमूव करके सारा मैंने इसको श्रेडेड कर लिया, और ये हमारा स्टॉक प्रिपेयर हो गया। अब हमने ये करना था कि सारा जितना भी हमारे पास जो मिक्स है उसको मैंने मिक्स किया इस ग्रेवी सूप के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड एट द फाइनल ये आपके पास इस फॉर्म में रेडी हो गया था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इसमें रह गया था तड़का, और इसमें मैंने चिकन भी यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसमें प्रिपेयर कर रही थी घी में, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा फ्राई किया घी में, मैंने थोड़ी सी प्याज डाल के अच्छा सा इसको फ्राई कर लिया था, तड़का प्रिपेयर कर लिया था, और यहाँ पे मैंने इसको ये ऐड कर दिया था। सो इस तरह से ये बहुत बेसिक और सिंपल सी हलीम हमने अपने घर के अंदर प्रिपेयर करी और बहुत इन्जॉय किया, और बहुत अच्छा टेस्टी बना था। और ये देखिए एक चुटकी बजा के मैंने इसको रेडी कर लिया। सो होपफुली आप सबको मेरी हलीम की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ आवर टुडेज ईद वीलॉग। होपफुली आप सब लोगों को मेरा ये ईद का वीलॉग अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हाउ यू पीपल हैव सेलिब्रेटेड द ईद। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और टेक केयर करें। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीलॉग में। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।